करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। देश की आधी आबादी एक लंबे समय तक गुलामी कालखंड के उन रूढ़िगत विचारों और कुप्रथाओं का शिकार रही है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास हुए, लेकिन यह प्रयास अद्भुत था। एक तरफ आदरणीय रिदम्बर जी का षष्ठी पूर्ति का इस समारोह और दूसरी ओर वात्सल्य ग्राम की रजत जयंती का वर्ष अभी विगत वर्ष ही संपन्न हुआ है, स्थापना का। और आज एक नया कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहां हो रहा है। वात्सल्य धाम में बालिकाओं के सैनिक स्कूल का शुभारंभ भी हो रहा है और माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी उसका उद्घाटन पूज्य संत महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों से माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में आज यहां पर संपन्न हुआ है। भारत की मिशन शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। समाज को अगर सशक्त होना है, समर्थ होना है, तो नारी शक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के बगैर कार्य संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको जुटना पड़ेगा। समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश हो, इसकी उन्होंने अनुमति दी। क्योंकि भाइयों बहनों, देश के अंदर सैनिक स्कूलों की परंपरा ये उत्तर प्रदेश ने 1960 में प्रारंभ की थी, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने पहला सैनिक स्कूल देश का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया। मुझे 2017 में लखनऊ के सैनिक स्कूल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसकी जो समिति होती है उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है, नाते में वहां गया था और उस समय मैंने वहां पूछा था। मैंने कहा यहां पे क्या बालिकाओं का प्रवेश है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अगले सत्र से एक बैच बालिकाओं का इसमें प्रवेश हो, और 2018 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वहां प्रारंभ किया। दूसरा, सैनिक स्कूल लखनऊ को इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश के सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र लखनऊ सैनिक स्कूल के ही एक छात्र को प्राप्त हुआ, कैप्टन मनोज पांडे को।